धमाका करते हुए आ गए भाईजान। जी हाँ दोस्तों, फाइनली रेस 3 का एक जबरदस्त ट्रेलर आउट हो चुका है और इस ट्रेलर में हमें हर तरफ एक्शन और भाईजान का जलवा देखने को मिला। साथ ही रेस 3 का ट्रेलर देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि रेस 3 में हमें एक ही फैमिली दिखेगी जो आपस में टकराएगी, और यहाँ साकिब और डेजी भाई बहन दिखे, साथ ही सलमान खान इनके सौतेले भाई। और यह फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट बॉबी देओल हो सकते हैं, क्योंकि फिल्म में आपको बॉबी देओल सलमान खान के भाई के रूप में दिख सकते हैं, और यह फिल्म में अनिल कपूर इनके पिता का रोल निभाते दिख रहे हैं। लेकिन यह जैकलिन को देख साफ नहीं हुआ है कि उनका रोल किस तरह का है। साथ ही ट्रेलर में बॉबी देओल का रोल काफी हटकर दिखा, और यह ट्रेलर में हमें बॉबी देओल का एक ऐसा सीन दिखाया गया जिसमें बॉबी देओल सलमान फैमिली को बचाते दिखते हैं। साथ ही क्लाइमेक्स सीन में दिखाया गया कि सलमान खान और बॉबी देओल शर्टलेस लुक में एक साथ आते हैं, और ट्रेलर के ये वाले सीन ने तो भाई दिल चुरा लिया। और ट्रेलर में फ्रेडी दारू वाला कुछ अलग ही रूप में दिखे, और इन्हें देख साफ पता चल रहा था कि ये फिल्म के विलन है। लेकिन जैसा कि हर रेस फिल्म में आखिर में विलन कोई और ही निकलता है, तो यह फिल्म में विलन और कोई नहीं बल्कि सलमान खान या बॉबी देओल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार रेस कर सिकंदर बाजी मारने आ रहा है, और इस बेमिसाल ट्रेलर में हर वो इंटरेस्टिंग सीन दिखाया गया जिसे देख फिल्म देखने का एक्साइटमेंट दुगना हो। लेकिन यह ट्रेलर में हमें केवल फिल्म का टाइटल सॉन्ग अल्लाह दुहाई की ही झलक दिखी। लेकिन अब आगे आपको बैक टू बैक फिल्म के सारे सॉन्ग देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, रेस 3 का ट्रेलर आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।